कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की बारी आई है, जहां भी बीजेपी सरकार होती है वहां पे धर्म के नाम पर आपको बखेड़ा मचा हुआ दिख ही जाएगा। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक मामला सामने आया है, जहां पे छात्राएं हिजाब को लेकर विरोध जता रही हैं। बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक ऐसी टिप्पणी दी है जिसको लेके जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो विरोध जता रही हैं। उनका कहना है कि वो उनके विधायक उधर स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, जहां पे बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने उनसे जबरदस्ती एक धर्म के नाम पे जेएसआर के नारे लगवाए। वो कह रही है कि हमें एक धार्मिक नारे लगवाए गए और उसके बाद हमें जबरदस्ती बोला गया, हमारे उस पे हिजाब पर टिप्पणी की गई और जबरदस्ती जेएसआर के धार्मिक नारे लगवाए गए। इसमें वो अपना बता रही है कि हमारी मर्जी होगी, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद अपनी सफाई में जो बाल मुकुंद आचार्य हैं बीजेपी के विधायक, वो ये बताते हैं कि जो स्कूल है स्कूल का ड्रेस कोड होता है, इसमें आप कुछ भी ऐसे हिजाब पहन के नहीं आ सकते, ये ड्रेस कोड के खिलाफ है। उसके बाद साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी और भी छात्राएं होंगी वो कुछ भी लहंगा या वगैरह कुछ भी पहन के आ जाएंगी तो ड्रेस कोड के खिलाफ हो जाएगा, तो आप भी हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं। और साथ ही साथ जबरदस्ती धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। तो इसी पे जो मुस्लिम छात्र हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हिजाब पे विरोध जता रही हैं कि हमारा हक है, हम पहनेंगे, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी होगी हम पहनेंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी हम नहीं पहनेंगे। और मैं भी यही कहती हूँ कि हमारी मर्जी होगी तो हम पहनेंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम नहीं पहनेंगे। इसमें भी मेरी मर्जी होगी तो मैं पहनूंगी और मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं पहनूंगी। मुझे कोई और नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा मन है हिजाब पहनने का तो मैं हिजाब पहनूंगी, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती अपने धर्म के नाम पर अपनी रीति रिवाज थोप नहीं सकता। इसमें अपनी एक जो होता है एक इंसान की, एक महिला होने के नाते एक महिला की मर्जी होती है कि वो क्या पहन रही है और क्या नहीं पहन रही है। इस पे जो ये पूरा मामला है राजस्थान के जयपुर का, कि जो उनके विधायक है बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी, वो इस तरीके के इस पे लोग विरोध जता रहे हैं और तमाम लोग एक्स पे पोस्ट करके तमाम चीजें लिख रहे हैं। जो मूर्ति नैन है वो लिखती है, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि जब ये चड्डी गैंग के लफंगे भगवा पहनकर सरकार चला सकते हैं तो मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती हैं। कि वही चीज है कि जब ये भगवा पहन के सरकार चला सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा 2014 के बाद जो बीजेपी का स्टार्टिंग से एक ही एजेंडा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन उसके बाद यही बार बार यही सवाल उठते हैं, बार बार मैं यही बोलती हूँ कि जो दूसरे समुदाय के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो भारत है वो सेकुलर कंट्री माना जाता है। उसके बाद जब ये भगवा कलर का कपड़ा पहन के ये सब चीज़ें चलाते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जब और मुस्लिम जब इससे विरोध जताते हैं तो तमाम चीज़ें नजर आ जाती हैं कि आप विरोध कैसे जता रहे हैं। ये तो एक जो स्कूल है वो उसका स्कूल का रूल है, आपका ड्रेस कोड बिगड़ जाएगा, लेकिन जब आप सरकार में भगवा का कपड़ा पहन के जब सरकार चला सकते हैं तो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब पहन के स्कूल क्यों नहीं जा सकती हैं। भाजपा सरकार के राज में जब मणिपुर में लड़कियां निर्वस्त्र घुमा सकते हैं, तो जब यहां पे लोग खुद के हिजाब पहनने पर चीजें बोल रहे हैं कि हमें हिजाब पहनने से क्यों रोका जा रहा है, तो इसके विरोध में आ रहे हैं। तो भाजपा सरकार इस तरह की टिप्पणी करती है कि स्कूल में आप लोग ड्रेस कोड ही बदल रहे हैं, आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। वो सिर्फ हिजाब पहनने की मांग कर रहे हैं और आप उस पर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। आप उनको जो धर्म के नाम पर नारे लगवा रहे हैं जबरदस्ती, ये कहां तक सही? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह के नारे लगाएं, क्योंकि उनकी मर्जी होगी वो बोलेंगे, आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसमें वाजिद खान लिखते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब हमारी शान है कि नारों से गूंजा जयपुर। जयपुर में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी, हिजाब हटवाने और जय श्री राम का नारा लगवाने का आरोप। भाजपा अनपढ़ों को विधानसभा भेजकर देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ रही है। मतलब सीधे तौर पर वाजिद खान ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो अनपढ़ों को देश प्रदेश भेजकर जो माहौल है वो बिगाड़ रही है। उनको नहीं पता है किस तरीके से सरकार चलानी चाहिए। और साथ ही में ये भी जो जयपुर में नारे गूंज रहे हैं कि हिजाब हमारी शान है, कि हिजाब को लड़कियां जो है मुस्लिम लड़कियां अपनी शान बता रही है और कह रही हैं कि आप ये हमारे से अधिकार छीन नहीं सकते हैं कि हिजाब पहनने पर ही आप पाबंदी लगा रहे हैं कि हिजाब पहनकर आप स्कूल में नहीं जा सकते हैं। इस पे
अवनी लिखती हैं लोकेशन जयपुर, बहुत सीधा सा मामला है, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, ज़बरदस्ती हिजाब पहनाओगे तो एक दिन लड़कियां उसे जला डालेंगे और ज़बरदस्ती उतारोगे तो अपना हिस्सा बना लेंगी। इन विद्रोही लड़कियों को सलाम। आपको जो ये वीडियो है ये पूरा आपको सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिख जाएगा और पूरी वीडियो में आपको बातें भी चीज़ समझ आ जाएंगी, किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं मुस्लिम लड़कियों द्वारा और तमाम चीज़ें दिख रही हैं। इन्होंने भी अवनी ने भी यही चीज़ लिखी, ज़बरदस्ती अगर हिजाब पहनाओगे तो एक दिन लड़कियां उसे जला डालेंगी और ज़बरदस्ती उतारोगे तो अपना हिस्सा बना लेंगी। मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती हिजाब पहनने पे फोर्स नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती उसको उतारने के लिए भी नहीं फोर्स कर सकते। ये सीधे तौर पर संविधान भी इसकी आज़ादी देता है, किसी को ज़बरदस्ती अपना धर्म थोपना ये नहीं सही है। अगर धर्म परिवर्तन का उसमें चीज़ें बताएंगे लेकिन ज़बरदस्ती हम धर्म थोप नहीं सकते, किसी पे धार्मिक नारे नहीं लगवा सकते और किसी का हिजाब नहीं उतरवा सकते हैं। एक और शख्स हैं, वो लिखते हैं एक्सपर्ट कि आखिर हिजाब से कपड़ों से इतनी दिक्कत क्या है, जिसकी पसंद नहीं वो कुछ ना पहने किसने रोका है। ऐसा बयान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर कलंक लगाया जा रहा है कि देश की बेटियों को पढ़ने से रोका जा रहा है, ऐसे तो माहौल बिगड़ जा रहा है, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अब जो भाजपा सरकार है वो इस पर कुछ नहीं बोली क्योंकि उसी के विधायक ने इस तरह की टिप्पणी करी है। एक स्कूल फंक्शन में जाके महिला सीधा महिला छात्राओं को टारगेट किया है कि महिला छात्रा जो है वही स्कूल का माहौल खराब कर रही है, स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो फॉलो नहीं कर रही है। इसमें हमारी मर्जी होती है, आपने तमाम चीज़ें ये देखी होंगी कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन ले तो उस पर कितना विवाद होता है और वहीं जब लड़कियां अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही हैं, हिजाब पहनने की कोशिश कर रही हैं तो उनको इस पर भी रोका जा रहा है। अगर छोटी लड़की है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाएगा, गलत तरीके से सोचा जाएगा और कहा, और वो कैरेक्टर लेस, आपको पता है कैरेक्टर लेस जो है उसको नाम दे दिया जाता है छोटे कपड़े पहनने पर। वहीं दूसरी तरफ अगर वो लड़कियां हिजाब पहनना चाह रही हैं तो उनको रोका जा रहा है कि आप स्कूल का जो कोड है ड्रेस कोड है वही तोड़ रही हैं, आप नहीं पहन सकती हैं। हिजाब पर जो सवाल खड़ा करते हैं उनसे एक ही बात आज के परिप्रेक्ष्य में करना चाहूंगी कि आज किसी भी धर्म की बहनों को देख लेना, हिजाब के समान चुनी से मुंह और सर ढककर रखती हैं। हिजाब का उपयोग ही मुख्यतः बुरी नजर से बचने के लिए और लड़कियों को अपने हिफाजत के लिए करती हैं। इसलिए सीधे तौर पर कहा है कि हिजाब वो इसलिए पहनते ताकि वो बुरी नजर से बच सके और अपनी हिफाजत के लिए पहनते कि उनकी मर्जी होगी अगर वो पहनेंगी, उनकी मर्जी होगी वो नहीं पहनेंगी। तो बार बार मैं यही कह रही हूं कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी दूसरे धर्म के नारे लगवाने के लिए और हिजाब उतारने के लिए। इसमें आप तमाम चीज़ें देख लीजिए, अगर भाजपा सरकार एक एजेंडा चला सकती है तो दूसरे समुदाय के लोग उसका विरोध कर सकते हैं। अगर भाजपा सरकार में जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री, अगर वो भगवा रंग का कपड़ा पहन के सत्ता चला सकते हैं तो हम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी हिजाब पहन के स्कूल जा सकती हैं, आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ये जो पूरी वीडियो है आपकी, इसमें क्या रहे, क्या हिजाब पहनना क्या गुनाह हो गया है, क्या हम हिजाब पहन के हम लड़कियां अब स्कूल भी नहीं जा सकती हैं और इस तरह की जो भाजपा सरकार सत्ता में बैठी सरकार है इस तरह की टिप्पणी करेगी और हमसे जो लगातार जो है धर्म के दूसरे धर्म के नारे लगवाएगी, आपकी इसमें क्या रहे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।